जब भी सुबह उठे ना तो अपने फ़ोन पे ही, आपके फ़ोन तो वैसे माशाल्लाह हमारे साथ ही होता है, उठा के इसमें 5 नेमतें लिखें, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, और अगले दिन उठें तो फिर मज़ीद 5 लिखें, एंड प्रैक्टिस दिस हैबिट एवरी सिंगल डे, ओनली 5 ब्लेसिंग्स, एंड नो व्हाट, दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी। जो इंसान करता है उनको उन्होंने फीडबैक ही दिया कि हमारी ज़िंदगी बदल गई इस ये काम करने से, बिकॉज व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग we like we our brain starts thinking on the positives not the negatives, and the start of the day is happy, is in gratitude and gratefulness. Even researchers kehte hain ki jo duniya ke top CEOs and industrialists and entrepreneurs hain, they start off their day by praising their god, or praising mother nature, or praising XYZ for the blessings they have. And alhamdulillah, we are Muslims, hum jab bhi subah uthte hain kya bolte hain, alhamdulillah. पहला लफ्ज़ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना वा इलैहि नुशूर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें, हाउ माइंडफुल वाज ही कि जब भी सुबह उठते पहला वर्ड जो बोलते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना, यार अब बाकी चीज़ों की नेमतों की दूर की बात है, तूने मुझे ज़िंदगी वापस लौटा दी, मेरी सांसें वापस दे दी, इसका शुक्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमनी हाज़ा तुआमी व रज़क़नी मिन ग़ैरि हौलि मिन्नी वला क़ुव्वा, खाने के बाद की मसनून दुआ है। जब भी कपड़े पहनते, कपड़े पहनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कस्तनी हाज़ा थौबा व रज़क़नी मिन ग़ैरि हौलि मिन्नी वला क़ुव्वा, जब वॉशरूम से फ़ारिग़ होकर निकलते कहते ग़ुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हब अनिल अज़ाब अफ़ानी, किसी बंदे को प्रॉब्लम में देखते तो क्या कहते, अल्हम्दुलिल्लाह الذي اعفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अच्छी खबर मिलती या काम बड़ा हो जाता तो क्या कहते, अल्हम्दुलिल्लाह الذي بنعمته تتم الصالحات, हर नेमत के बाद, हर इवेंट के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, इवन छोटी सी वॉशरूम से भी लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में परेशान होते, कोई बुरी खबर मिलती, क्या कहते, अल्हम्दुलिल्लाह على كل حال, अल्लाह के हर हाल में शुक्र है। सो ये कैसे होता है, ये बातें, ये इंसान के अंदर ये चीज़ें कैसे इनकलकेट होती हैं, डेवलप होती हैं, जब वो माइंडफुल है, जब वो हर टाइम फ़ोन में नहीं घुसा हुआ, गुजरते हुए, चलते हुए, पीते हुए, खाते हुए या टीवी देख रहा है, और ही इज़ नॉट नोटिसिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और याद रखें, अल्लाह का शुक्र वही कर सकता है जो अल्लाह को याद करता है, चाहे अपने दिमाग में या अपनी ज़बान पर। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरा कुफर ना करो। तो अल्लाह के याद करने से अल्लाह का शुक्र अदा होता है। जो ये लेटर है ना, इट कम्स विद द फॉर्मर, अगर फॉर्मर नहीं होगा अल्लाह का जिक्र या अल्लाह के बारे में इंसान थॉटफुल नहीं होगा तो शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। तो बी माइंडफुल, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, अपने खाने को फील करें, खाएं, अपने औलाद को देखें तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनिअमतिहि सालिहात, और कहें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक व तहावुल आफ़ियतिक, या अल्लाह मैं तेरे नेमतों के ज़वाल से बचता हूँ और तेरे आफियत के चले जाने से बचता हूँ। तो से अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज़।